राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए एनडीए ने खेला दलित कार्ड। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने रामनाथ कोविंद के नाम की घोषणा की। कोविंद दलित समाज से ताल्लुक रखते हैं, फिलहाल बिहार के राज्यपाल हैं, यूपी के कानपुर के रहने वाले। एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में कोविंद के नाम घोषित करने के फैसले का बसपा सुप्रीमो मायावती ने स्वागत किया। कहा अगर कोई काबिल दलित उम्मीदवार को उम्मीदवार बनाएगा तो उसका समर्थन करेगा। 93 मुंबई सीरियल ब्लास्ट में दोषियों की सजा पर मंगलवार तक टल गई सुनवाई। 24 साल बाद शुक्रवार को टाडा कोर्ट ने गैंगस्टर अबू सलीम समेत 6 आरोपियों को दोषी करार दिया था। सत्येंद्र जैन पर कसने लगा सीबीआई का शिकंजा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीबीआई की टीम ने घर पहुंचकर पूछताछ की। कुमार विश्वास के खिलाफ पार्टी में रची जा रही है व्यूह रचना। सूत्रों की माने तो विश्वास के खिलाफ अमानतुल्ला ने विश्वास के खिलाफ सबूत देने के लिए मांगा 10 दिन का समय। निठल्ले सरकारी बाबुओं की बढ़ सकती है मुश्किल। मोदी सरकार बाबुओं के कामकाज की कर रही है समीक्षा। गोमती नदी चैनलाइजेशन प्रोजेक्ट में घोटाले में यूपी के सीएम योगी ने सीबीआई जांच को मंजूरी दी। अखिलेश सरकार के दौरान घोटाले का है आरोप। गायत्री प्रजापति को जमानत देने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक जांच में चौंकाने वाला खुलासा। प्रजापति को जमानत देने के लिए हुई थी 10 करोड़ रुपए की डील। डोनाल्ड ट्रंप ने अवैध अप्रवासियों को देश से निकाले जाने की योजना में छूट का प्रस्ताव रद्द किया। 3 लाख भारतीयों समेत करीब 40 लाख अवैध अप्रवासियों पर अमेरिका से निकाले जाने का खतरा है। सीरिया में सरकारी सेना के एक लड़ाकू विमान को मार गिराया। अमेरिका की अगुवाई वाली गठबंधन सेना के लड़ाकू विमान ने कार्रवाई। रामविलास शर्मा, राव नरबीर सिंह और सांसद कृष्णपाल गुर्जर ने केंद्र मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से मुलाकात की। हरियाणा में वन विभाग के 10 हेक्टेयर एरिया का अधिकार राज्य सरकार को दिए जाने के मामले को लेकर बात हुई। एक हफ्ते तक मौसम रहेगा सुहाना। दिल्ली एनसीआर में एक हफ्ते तक सुबह शाम बारिश होगी, मौसम विभाग का दावा। दिल्ली के साउथ एक्स पार्ट 2 में कुशक नाले की सफाई को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने पीडब्ल्यूडी के अफसरों को फटकार लगाई। 25 जून तक नाले की सफाई करने का दावा किया है कर्मचारी। सैलरी और एरियर्स की मांग को लेकर पूर्वी दिल्ली नगर निगम के शिक्षक धरने पर हैं। पूर्वी दिल्ली मुख्यालय के बाहर निगम के टीचर्स ने एक दिन का सांकेतिक धरना दिया। युवक को बचाने के चक्कर में जान गई, गाजियाबाद का मामला है। इंद्रापुरम हिंडन नदी में डूब रहे युवक को बचाने के फेर में 2 युवक कूदे, 1 की मौत। हापुड़ के थाना सिटी कोतवाली क्षेत्र के गांव सबली के बाहर बनी पानी की टंकी पर एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक की आत्महत्या करने की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, शव को फांसी के फंदे से उतारा गया। गाजियाबाद के थाना सिहानी गेट के NH 58 पर एक बस के नीचे ट्रैक्टर घुसा, 4 लोग जख्मी, 1 की मौत। जिला अस्पताल में जख्मी को कराया गया भर्ती। फतेहाबाद में जेबीटी टीचर्स ने लघु सचिवालय के गेट पर अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। जेबीटी टीचर्स लगातार नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। रेवाड़ी में तेज रफ्तार डंपर ने अंबेडकर चौक स्थित रोडवेज वर्कशॉप में दीवार तोड़कर अंदर घुस गया, जिससे डंपर चालक और रोडवेज वर्कशॉप का चौकीदार जख्मी हो गया। उकलाना नगर पालिका कितने विकास कार्य सही ढंग से करवा पा रही है इसकी पोल आज सुबह की बारिश ने खोल दी। हल्की बारिश के बाद शहर की सभी सड़कों पर पानी भर गया। सीएम सिटी करनाल में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर समेत सैकड़ों कार्यकर्ता 3 दिन तक चलने वाले सत्याग्रह पर बैठ गए हैं। प्रदेश में बिगड़े हुए हालात और किसानों के ऊपर देशभर में हो रहे अत्याचार और किसानों की मांगों को लेकर सत्याग्रह। पलवल में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। लघु सचिवालय पहुंचे किसानों ने मध्यप्रदेश में मारे गए किसानों के परिवार वालों को सरकारी नौकरी और स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने और पूरे देश के किसानों को कर्ज माफी की मांग की। इनेलो ने एसवाईएल और किसानों की मांगों को लेकर प्रदेश भर में प्रोटेस्ट किया है। सिरसा में इनेलो कार्यकर्ताओं और इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लघु सचिवालय पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। बीजेपी को बताया दलित और किसान विरोधी, बोले सरकार का अत्याचार झेल रहे किसानों का कांग्रेस साथ देगी।